श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता और रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, परंतु जब मैंने वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। कान्हा कहते हैं, दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना, वक्त जब भी शिकार पर निकलता है तो चौतरफा वार करता है। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेला गुमशुदा इंसान पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपका जीवन सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल डरपोक ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं होती। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है, सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत है उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता तो वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तो बांसुरी की तरह है,
इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौटकर, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। दुनिया आपको गिरा सकती है लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहे। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गिरते हैं घुड़सवार मैदान ए जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया समझो वो व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है।
जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिन्हें चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के बेपरवाह विचार। इसलिए अपने विचारों को हमेशा काबू में रखिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, हमें अपने औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिसने निराशा, तन्हाई और अकेलेपन से जीतना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी में अकेले चलने का हुनर सीख लिया। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर ही रखा करो। जिंदगी में पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करना। गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कान्हा कहते हैं कि किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सब आपके खिलाफ जा रहा है तो याद रखें हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध जाता है, हवा के साथ नहीं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। प्रभु कहते हैं इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से निकलकर वो हृदय को स्वच्छ करता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको लेकिन जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। कान्हा कहते हैं जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं।
जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर की होती है किस्मत, मगर ये चारों के चारों चार अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलता है वह सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए वह निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए वह निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए वह सदैव खुश रहता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई चेहरे से खूबसूरत होता है कोई दिल से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है, सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह पानी हमेशा लेता रहता है, नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ रहता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे रहोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वो दही बन जाता है जो केवल दो दिन और टिकता है। दही का मंथन करने पर वह मक्खन बन जाता है और वह तीन दिन रहता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और घी कभी नहीं खराब होता। एक ही दिन बाद खराब होने वाले दूध में कभी ना खराब होने वाला घी छुपा रहता है। इसी तरह आपका मन अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को सूर्य की भांति और तपाओ, और तब देखना आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको नजरअंदाज करो, देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे।
शोर मचाने से नाम नहीं बनता। काम ऐसा करो कि आपकी खामोशी भी अखबार में छप जाए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इसी राह पर भीड़ कम होती है। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दुनिया भर की पंचायती करने के बाद एक चीज समझ जाओगे कि माँ बाप के अलावा दुनिया सिर्फ बातें ही करती है, कोई साथ नहीं देता। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं, उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी न लगे। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वीर वही है जो स्वयं से लड़ने की हिम्मत रखता है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है। लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशिया बना लेता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं।
जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई, सोचो जब औलाद रंग बदलती होगी तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है, एक एक कदम चलते चलो रास्ता खुलता जाएगा। नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मंजिल मिलनी होती है। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचना किया है, इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नियत खराब होती है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है, इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस किस के दिल में आप बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि असफल तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि वो अब जीत ही नहीं सकता। किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक ना करें, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है।
आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या अपने आप सुलझ जाती है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उससे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। जीवन में तीन चीजें जरूर अर्जित करें, विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, सही समय, सही सोच और सही तरीका। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण असफल होते हैं। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, पर हम कहते बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। किताब के पन्ने तो स्याही से लिखे जाते हैं, किस्मत के पन्नों को लिखना है तो पसीने को स्याही बनाओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कई बार सिर्फ सुन लिया करो, इस दुनिया में अब और समझाने वालों की जरूरत नहीं है, समझने वालों की है। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। उस पछतावे के साथ मत उठो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ उठो जिसे आज आपको पूरा करना है। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो धैर्य और संयम बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही नहीं टिकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती, जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। कान्हा कहते हैं जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद से आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से भी बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है, इसलिए चिंता करना आज से ही छोड़ दो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है,
ठीक उसी प्रकार कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस बहुत जरूरी होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। मुझे घमंड नहीं किसी बात की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वो कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। उन रास्तों पर कभी मत चलो कि भीड़ का हिस्सा बनना पड़े, इतिहास उसी ने रचा है जिसने रास्ता कठिन चुना है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर है। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं, तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबों से प्रेम बनाए रखिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस परिवार और राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वो पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन बार बार किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है परंतु कर्म नहीं। कान्हा कहते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है।
श्री कृष्ण से कितना कुछ छोटा, पहले माँ छोटी, फिर पिता छोटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छोटे, संगी साथी छोटे, राधा भी छोटी, गोकुल छोटा, फिर मथुरा छोटी, श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, नहीं छोटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मनुष्य समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औरों से दुनिया लड़ती है, परंतु जो वीर होता है वह स्वयं से लड़ता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब रखना ना छोड़ें। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। भावनाओं का कहां द्वार होता है, जहां हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये तीन भेद दी हो, साथ, समय और समर्पण। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। कान्हा कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जीवन में इन पांच तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहे। पहला, जो आपका चापलूसी करता हो। दूसरा, जो आपके सामने अच्छा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं। तीसरा, जिनको हमेशा आपसे कुछ चाहिए होता है।
चौथा, जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वह मौजूद नहीं रहते। पांचवा, जो आपको समझते नहीं और दिखावा करते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। कान्हा कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ेगी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जन का ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा, यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है फिर मुश्किलों से क्यों डरता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो, प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।